ओम नमः शिवाय, ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी की मंगल कामना के साथ एक बार फिर से मेरी वीडियोस आपके लिए हाजिर हैं। और ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास है। इस वीडियो में जो बीज मंत्र का प्रयोग किया गया है ये अत्यंत प्रभावशाली है। अधिकतर जो आप मंत्र देखते हैं दुर्लभ सामग्री की वीडियो में, जो कि दुर्लभ सामग्री का असली चैनल है, उस पे तो उस पे सारे मंत्र काम करते हैं। और यह साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से अपने मंत्रों को साधता है या फिर काम लेता है। यदि आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए करेंगे तो यथाचित आपको परिणाम नहीं मिलेगा। यदि आप दूसरों का भला करने के लिए करेंगे तो आपको परिणाम सर्वस्व ही मिलता रहेगा। ऐसे बहुत से साधक हैं और साधिकाएं भी हैं जिनका काम बनता है और जो हमें फ़ोन करके बताना भी चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका फ़ोन हम तक नहीं पहुंच पा रहा या हम उनके फ़ोन को नहीं उठा पा रहे। तो यदि कोई भी ऐसा साधक या साध्वी है तो वो हमसे ईमेल के ज़रिए बात कर सकता है। और यदि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहता है तो भी हमें ईमेल के माध्यम से हमसे जुड़ सकता है। और आज का ये जो मंत्र है ये खासकर प्रेमी जोड़े के लिए है या कोई प्रेम प्रसंग में हो उसके लिए है। इसका एक सीधा सा अर्थ यह है कि इस मंत्र को अगर आपने कर लिया या इस यंत्र को बना लिया जो मैं आपको बताऊंगा, और ठीक उसी प्रकार से किया उसी नक्षत्र में, तो आपका जो सामने वाला साथी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वह आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेगा। ये बहुत प्रभावशाली है। और क्योंकि ये जन्माष्टमी के दिन करना है तो इसका प्रभाव 100 गुना और ज़्यादा बढ़ जाता है। कहीं पर भी जब प्रेम प्रसंग की बात आती है तो श्री कृष्ण की पूजा ज़रूर की जाती है, या यूं कहिए प्रेम का दूसरा नाम ही श्री कृष्ण है। और यदि आपको कोई उपाय नहीं आता, आपको कुछ पूजा करनी या किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप यदि सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो भी आपके काम जो है वो बनने लगते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरत है तो सच्ची निष्ठा भाव की, और आपके जो मनोगत भाव हैं वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। उसमें कोई भी किसी प्रकार की भी लेश मात्र भी उसमें अगर द्वेष आ गया, या यूं कहिए उसमें अपनापन आ गया अपने स्वार्थ के लिए अगर आपने किया, तो फिर वहीं पर बात रुक जाती है। और रही बात इस उपाय को करने की, तो मैं बताता हूँ इस उपाय को कैसे करना है। ये जन्माष्टमी के दिन करना है, जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था उस दिन इस उपाय को करना है। और ये बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको कोई ऐसी सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको कहीं से ना मिले। इसमें सिर्फ जो सामग्री चाहिए वो आपको बहुत ही सरलता से बाज़ार में या मार्केट में कहीं से भी आपको मिल सकती है। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है समय की। इस उपाय को करने के लिए आपको समय पर काम करना होगा, या समय पे मंत्र जाप करना होगा, या फिर जो यंत्र बताएंगे उसको उसी समय में उसी नक्षत्र में आपको बनाना होगा। जब आप समय के अनुसार चीज़ें करते हैं तो चीज़ें आपके हक में होने लगती हैं और आपको ना सूत उसके जो परिणाम है वो मिलने लगते हैं और आपका जीवन जो है वो बदलने लगता है। बहुत से लोग हैं उनको रिज़ल्ट नहीं आता, वो बार बार प्रयास करते हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम ही नहीं करते। मैंने पहले भी बताया था कि हर किसी के भाग्य में नहीं होता कि हर किसी को रिज़ल्ट आए, और हर किसी के भाग्य में ये भी नहीं होता कि रिज़ल्ट ना भी आए। ये दोनों प्रकार से काम करता है। इसलिए अगर आप मेरी बात माने तो हर उपाय को अपने पूरे पूरे मन से एक बार ज़रूर आजमाएं और देखें कि ये आपके लिए काम करता है या नहीं करता। लेकिन अगर सच्चे निष्ठा भाव से इस उपाय को किया तो ये आपकी जो प्रेम कहानी है उसको पूरा कर देगा। आपको ज़रा भी संकोच नहीं होगा अपने प्रेम प्रसंग में। जिसके साथ भी आप प्रेम में हैं वो आपके पास आ जाएगा। यदि वो आपको छोड़ के गया है तो आपसे बातें करेगा, आपके पास दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। और यदि किसी प्रकार के मन मुटाव हैं तो वो भी बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। और इसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो है सुबह उठना होगा। जन्माष्टमी के दिन आपको सुबह सुबह तड़के 6 बजे, 5 बजे भी उठ सकते हैं या 6 बजे भी आप उठ के आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने हैं। यदि पुरुष है तो कपड़े में कुर्ता पजामा पहन सकते हैं,
और यदि महिला है तो वो सफ़ेद रंग का कुछ भी पहन सकते हैं जो उनके हिसाब से उनके लिए कंफर्टेबल हो। और उसके बाद आपको एक मोर पंख लेनी है। मोर पंख के ऊपर सफ़ेद रंग के पेन से या मार्कर से या किसी भी चीज़ के जो सफ़ेद हो, सफ़ेद रंग से आपको उसके ऊपर अपने प्रेमी का नाम लिखना है मोर पंख पे। बहुत से लोग कहेंगे कि हमें सफ़ेद रंग का कुछ भी नहीं मिला जिससे हम नाम लिख सकें, तो यदि सफ़ेद रंग ना हो तो उसके बाद आप कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सर्वोपरि जो सबसे उत्तम रहेगा वो ऐसे में सफ़ेद रंग रहेगा। और ऐसे में सफ़ेद आसन पे ही आपको बैठना है, सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं और सफ़ेद रंग के किसी पेन से या मार्कर से आपको जो मोर पंख है उसके ऊपर अपने प्रेमी का नाम लिखना है। प्रेमी का नाम लिखने के बाद आपको अपने प्रेमी की फ़ोटो रखनी है और उसका जिस तरफ मुंह होगा उसी तरफ मुंह करके आपको अपनी फ़ोटो रखनी है, यानी कि दोनों की फ़ोटो एक दूसरे के आमने सामने हो। और फ़ोटो रखने के बाद एक और मोर पंख रखनी है आपको और दूसरे मोर पंख पे आपको अपना नाम लिखना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक मोर पंख लीजिए, उसके ऊपर अपने प्रेमी का नाम लिखिए और उसके ऊपर अपने प्रेमी की फ़ोटो रखिए। अब प्रेमी की फ़ोटो के ऊपर अपनी फ़ोटो रखिए, दोनों का मुँह सामने होना चाहिए। अब उसके बाद मोर पंख रखनी है और उस मोर पंख पे आपको अपना नाम लिखना है। इस प्रकार से फ़ोटो दोनों अंदर हो जाएंगी और मोर पंख दोनों तरफ रहेंगी बाहर को। और ऐसा करने के बाद जो मूली का धागा होता है जिसको हाथ पे बांधा जाता है, जिसको आसानी से कहीं से भी आप मार्केट से ले सकते हैं, उस मूली के धागे को श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में एक बार स्पर्श करवा कर आप उस मोर पंख को अच्छे से बांध दीजिए एक दूसरे के साथ, ताकि खुले ना वो फ़ोटो, और उसको श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। ऐसा आपको सुबह सुबह करना है, 5, 6, 7 या 8 बजे, ये समय है। इन 4 घंटों के अंदर आप कभी भी इसको कर सकते हैं और करने के बाद जितना हो सके श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाए। उस दिन पूरे दिन आपको श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, बाहर कहीं नहीं जाना। यदि बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है तभी आप बाहर जा सकते हैं, यदि कोई साधारण कार्य है तो बाहर नहीं जाना। और उस दिन पूरे दिन आपको घर में रहना है। और ये एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपको 24 घंटों में ही आपको असर दिखाने लग जाएगा। जब आप ये काम कर लें तो उसके बाद आपको घर में रहना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह की अपनी अपनी वाइब्रेशन होती है। बाहर की वाइब्रेशन अलग होती है, घर की वाइब्रेशन अलग होती है। और अपने घर में रहिए और प्रभु को याद करिए और उसके बाद देखिए कितना बड़ा आपको रिजल्ट आएगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो समय होता है इसका इन उपायों में, इन टोने टोटकों में बहुत महत्व होता है। यदि समय से अगर आप आगे पीछे हो जाएंगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। इसलिए समय जो आपको 4 घंटे दिए गए हैं उन्हीं में करिए, और उसको करने के बाद अपने घर में रहिए और आप कुछ मत करिए, सामने से इंतज़ार करिए। जिसके लिए आपने उपाय किया है वो खुद आपको फ़ोन करेगा। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उस दिन आपको नॉनवेज नहीं खानी है। कुछ भी हो जाए उस दिन आपको कहीं नहीं जाना। पूरी पूरी कोशिश रखिए कि आप उस दिन कहीं ना जाएं, जितना हो सके अपने घर में रहें। और ये बहुत छोटा और बहुत सरल उपाय है जिसको आप करके अपने जो प्यार है, जो आपका जीवन साथी है, उसको अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता। बहुत से लोग हैं जिनको ये उपाय काम नहीं करेगा और बहुत से हैं ऐसे जिनके लिए उपाय काम करेगा। तो बिना करे तो आपको नहीं पता चलेगा ये आपके लिए काम करता है या नहीं करता। तो इसको एक बार ज़रूर आजमाएं और अपने जीवन में देखें इसका लाभ, पूरा पूरा आपको इसका लाभ मिलेगा। और मेरी यही मनोकामना है कि इससे आपका काम बने और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सोशल मीडिया पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि कुछ रह गया हो या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अपना सवाल कर सकते हैं। और यदि आप फ़ोन करना चाहते हैं तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे या थोड़ी इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी है लोगों की जो फ़ोन कर रहे हैं, जिनके काम बन रहे हैं।
तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। ओम नमः शिवाय।